नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुख और सफल बना सकती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर ही एक सम्मान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाया था। चाणक्य की नीतियाँ बहुत ही सटीक है और जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार लेता है वह बड़ी बड़ी परेशानियों की सामना बड़े ही आसानी से कर सकता है। आज हम आपको चाणक्य की चैप्टर 1 में बताई गई ऐसी नीतियाँ बताएंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप जीवन को सुख और सफल बनाने वाली कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो आप स्काई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे भी ज्यादा जरूरी बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लें। नंबर 1, अगर हो सके तो बीज से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और वो आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। नंबर 2, नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। नंबर 3, एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से की स्वयं होने के बावजूद भी विवाह कर लेनी चाहिए। उसी तरह किसी हीन घर में अत्यंत सुंदर स्त्री भी हो तो विवाह नहीं करनी चाहिए। याद रखें, शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। नंबर 4, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नंबर 5, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। नंबर 6, इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सिंह वाले पशु, औरतें और राजघराने के लोगों पर। नंबर 7, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। नंबर 8, उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। नंबर 9, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नंबर 10, भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। नंबर 11, अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। और अंतिम में नंबर 12, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की
कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आपको इन नीतियों में से कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर दो दिन में ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्काईफोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे भी ज्यादा जरूरी बेल वाला आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।